अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेघवान न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज दिन के कुछ अहम सुर्खियों के ऊपर। कोविड 19 के 140 नए केस, जम्मू और कश्मीर में 3 अमवात की इत्तला। खानियार हमले में पुलिस हेलीकॉप्टर समेत 2 हुए जख्मी। कठुआ में आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारामूला के रफियाबाद में बीजेपी लीडर का दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। कश्मीर इक्तिसादी इतिहाद के शरीक चेयरमैन फारूक अहमदार ने एलजी इंतजामिया से की अपील की। ईंधन में एथेनॉल से लोगों को तकलीफ हो रही है, उनकी गाड़ियां खराब हो रही है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। एमएमयू ने कश्मीर में बढ़ते हुए खुदकुशी मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक मुस्तकिल मुहिम का वादा किया है। उन्हें कहा कि 5 अगस्त 2019 से जेर हिरासत मीरवाइज उमर फारूक और दीगर तमाम सियासी रहनुमाओं की रिहाई के लिए एलजी सिन्हा को खत लिखूंगा। बारामूला रेवेन्यू महकमा पुलिस के अहलकारों ने पटन के देवर बखानमा में 25 कनाल पर तजावजात हटाए। वजीर आजम मोदी ने पार्लियामेंट में अपनी तर्ज अमल पर अपोशन अराकीन को तनकीद कर बनाया निशाना। सोने में 31 रुपए की कमी, जबकि चांदी 362 रुपए गिर गई। दिल्ली में 2 साल बच्ची 45 किलो वजन के बाद उसकी बैरिक्ट्रिक सर्जरी की गई। दीजिए निगेबान टीम को इजाजत। अल्लाह निगेबान।